आज जो है हमने आप सबको एक ऐसा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप सबके लिए बहुत अच्छा है और जो जिस चीज़ के लिए भी आप सब उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर एनिमेशन वगैरह हो या और कुछ हो, मतलब फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटो इस तरीके का बहुत अभी आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो मोबाइल में एंड्रॉयड फ़ोन में जो है नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी बहुत सारे ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें से अभी मैं आज जो बताने वाला हूँ आप सबको CS ऐप है, वो आप सबको जो है प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो फिलहाल तो ये देख सकते हो आप सब, तो मैं दिखा दूँ तो ये रहा अपना CS ऐप है, तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो ये इसकी फीचर जो है बहुत मस्त है, आप सब क्या करें इसको जो है इंस्टॉल करें, उसके बाद फिर काम करके बताएं कैसा लगा है आप सबको। और मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नए नए टेक्निकल वीडियो जो मैं अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आपके फ़ोन में आने के लिए जो हमारा बेल आइकन है तो उसको भी दबा दें, क्योंकि जब हमने कोई नया वीडियो डाले तो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। और मैं बता दूँ तो इसके बारे में, इसके अंदर देख सकते हो बहुत सारे फैसिलिटी है। ये देखो, अभी मैं स्टूडेंट के बारे में बता दूँ या ऑफिस में वर्क करने वाले के बारे में, मतलब किसी तरीके का कोई भी काम हो, तो उसमें तो बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो, मतलब अभी जो स्कैनर को PDF वगैरह बनाने के लिए होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जैसे कि ये देख सकते हो, अभी किसी का लिखा हुआ है ये, और लिखा हुआ है विथ, उसके ऊपर जो है फ़ोटो देख सकते हैं आप किस तरीके का है। तो हम जो है इसके ऊपर से एडिट करके अच्छे तरीके से फ़ोटो लगा सकते हैं और कुछ भी, जिस तरीके से अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बाहर ना जा सकते हैं, तो फ़ोटो स्टार्ट, फ़ोटो कॉपी, ये सब वगैरह अभी ले नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइम में अच्छा यही है कि इस तरीके का कुछ किया जाए। ये देख सकते हो, तो अभी जो है ये आप सब इसमें जा कर के आप PDF बना सकते हैं, ये जितना भी है ये सारा PDF है। और मैं बता दूँ तो आप लोग जो इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपने यहाँ से PDF बनाना है, नोट्स है, जो भी लेना है, और ये देख ले आप यहाँ पर से जो है आपको फोल्डर बनाने को मिल जाएगा, नया फोल्डर बनाना है तो। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी, ये हमने जो फ़ोटो एडिट करना है, जो ज्वाइन करना है, ये करना, जो जिस चीज़ भी, जो चीज़ भी हमें चाहिए वो अपने गैलरी से लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं भाई यहाँ पे ला करके। और भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस है जो आप देख सकते हैं, ये फिर हो गए इंपोर्ट फाइल्स, आप अगर होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल जो हो उनसे भी ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, लिस्ट व्यू, शॉर्ट बाय सेलेक्ट, और भी बहुत सारे इसमें सेटिंग्स है भाई। तो बनाने का मैं तरीका भी बता दूँ आज, तो इसमें किस तरीके से PDF बनाया जाएगा, तो सबसे पहले जो है हमें ये 3 डॉट जो दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पर से फिर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन आने के बाद जो है हमें लेना है क्रिएट फोल्डर, नहीं बनाना, हमें फोल्डर को बनाना नहीं है। हाँ, अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, तो उसके लिए एक नंबर पर जो दिखाई दे रहा वो है, वैसे हमें अभी PDF जस्ट PDF बना करके दिखाना, तो उसके लिए जो है ये रहा अपना इनपुट फ्रॉम गैलरी। और ये देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे फ़ोटोज़ आ गए हैं जो गैलरी में हो है फ़िलहाल। तो अभी मैं अगर कुछ बना करके आप सबको दिखा दूँ, तो ये देख सकते हो मैं ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया,
और ये क्लिक कर लूँ। फिर उसके बाद जो इंपोर्ट करना है, चलो मैं इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग हो रही है, ये हो गई। मतलब कि देखो ये कितने आसान तरीके से और फास्ट, और मैं बता दूँ इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना है ख़रीदने के लिए या बनाने के लिए, कुछ भी नहीं। और मैं बता दूँ तो ये एंड्रॉयड फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हो फ्री। और फिर मैं दिखा दूँ तो ये हो गया अपना पीडीएफ। पीडीएफ अभी हुआ नहीं है, बस ये प्रोसेसिंग में है। पीडीएफ अगर हमें बनानी है तो पीडीएफ बनाने से पहले जो है हमने क्या करना है, इस स्कैन यहाँ पर जो कैम स्कैनर आ रहा है सीएस ऐप जो है उसको हमने बदलना है। तो हमें जाना है ये थ्री डॉट पे, थ्री डॉट पे जाने के बाद जो है हमें रीनेम पे जा कर के सेलेक्ट करना है, जिस जो भी हमें नाम सेलेक्ट करना है जिस तरीके का, जिस तरह अभी जैसे मैं देख लूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्निकल लाइफ, ये हमारे चैनल का नाम है, तो मैं टेक्निकल लाइफ लिख करके इस तरीके से छोड़ दिया। और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया टेक्निकल लाइफ। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद जो हमें पीडीएफ बना करके किसी को प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए पीडीएफ पे जा करके क्लिक करना है। भाई ये हो गया आपका पीडीएफ तैयार। अब जो है आपको ये एक ग्रीन कलर का ऑप्शन मिल रहा होगा शेयरिंग का, तो यहाँ पर आप जा कर के शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने का तरीका ये है कि मतलब जिस चीज़ पे आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो ऑप्शन के अनुसार जो है आप सबको जिस चीज़ के लिए जिस जहाँ पर जो भी जैसे भी जैसे व्हाट्सएप हुआ, गूगल हुआ, टेलीग्राम हुआ, और ईमेल के ज़रिए भी भेज सकते हैं, और उसी तरीके से बहुत सारे अभी ऑप्शन आ रहे हैं, तो उस तरीके से भी भेज सकते हैं। तो बने रहो, आज के लिए जो है हमारा वीडियो इतना ही था। और मैं आप सबको बता दूं तो अगर चैनल पर नए आए हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो शेयर भी करना। तो फिर मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में, और फिर तब तक के लिए बाय, थैंक यू।